नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अब चुनावी मोड में आ गई हैं। भले ही चुनाव की घोषणा अभी तक नहीं हुई है कि किस तारीख को चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक घोषणा हो गई है। जी हां, कोरोना काल में पहली बार 7 जून की तारीख तय की गई है। 7 जून यानी कि तीनों पार्टियाँ RJD, BJP और JDU एक दूसरे के आमने सामने दिखेंगी और ये ऐसी तारीख है जो कि राजनीतिक घोषणा भी हो रही है इस दिन से, क्योंकि सभी पार्टियां चुनावी माहौल को गर्मा चुकी हैं, चुनावी माहौल चुनावी विसात पर अपनी प्लानिंग पूरी कर चुकी है और अब इस प्लानिंग की रूपरेखा 7 तारीख से ही शुरू होने वाली है। 7 जून एक ऐसी तारीख है जो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है और ये दिन काफ़ी खास होने वाला है। मिशन 2020 से पहले 7 जून को NDA के दो बड़े दिग्गज चुनावी रणनीतियों का ऐलान करेंगे, पहला BJP और दूसरा JDU। BJP के राष्ट्रीय नेता अमित शाह 7 जून को वर्चुअल रैली करेंगे जिसमें से 1 लाख लोगों को शामिल करने का प्लान है। 7 जून को शाम 4 बजे बिहार BJP कार्यालय में मंच सजेगा, जहां अध्यक्ष संजय जायसवाल, सुशील कुमार मोदी सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। BJP अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस रैली को बिहार के 7,723 बूथों पर 1 लाख लोगों को YouTube और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सुनने का प्लानिंग किया गया है, कार्यक्रम बनाया गया है। 7 जून को एक तरफ जहां अमित शाह की हुंकार सुनाई देगी, वहीं दूसरी तरफ CM नीतीश JDU के हजारों कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। 7 जून को नीतीश कुमार प्रखंड और पंचायत स्तर पर लोगों के साथ संवाद करेंगे, वार्तालाप करेंगे, जिसमें चलाई जा रही सभी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। वहीं कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, उन्हें रोजगार कैसे मुहैया कराया जा रहा है, इन सभी बातों पर चर्चा भी होगी। वहीं अब तीसरी ओर रुख कर ले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर। 7 जून को ही तेजस्वी यादव थाली और कटोरा पीटेंगे। 7 जून को अमित शाह और नीतीश कुमार द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने थाली बजाकर विरोध करने का ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने विरोध करते हुए कहा है कि सरकार एक्चुअल स्थिति को छुपाकर वर्चुअल रैली करना चाहती है, मजदूर की थाली खाली है, इसलिए उस दिन थाली कटोरा बजाकर विरोध किया जाएगा। चुनावी माहौल के बीच तीनों बड़ी पार्टियां अब राजनीतिक मोड में आ गई है, चुनावी मोड में आ गई है। यानी कि 7 जून बिहार के कोरोना काल के इतिहास में एक ऐसी तारीख है जब सभी राजनीतिक पार्टियां JDU, BJP और RJD राजनीतिक घोषणा करने वाली है, आकर्षित करने वाली है जनता को, अपनी उपलब्धियों को, विरोध को, या फिर जनता के हित में क्या कुछ प्लानिंग की गई है, सबको जनता के बीच रखने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि 7 तारीख को कौन किस पे हावी होता है, आखिर किसकी घोषणा, किसकी स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा काम करती है और कौन जनता के लिए फ्रूटफुल होता है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।